तो आजकल मार्केट में WPC लूअर, फ्लूटेड पैनल, चारकोल लूअर, PVC पैनल मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में, और हर कोई इसके पीछे पड़ा भी है, और क्यों ना पड़ा, क्योंकि देखने में लगते भी इतने सुंदर है। बट क्या आपको इनके टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में पता है कि अगर आपके घर में कहीं सीलन है तो कौन सा पैनल लगाना है? क्या आप PVC लगाओगे, चारकोल लगाओगे कि WPC लगाओगे? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये चार्ट देख लो। तो ये सारे मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ कहां से मिलने वाले हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो है PVC पैनल, WPC पैनल, मेटल के पैनल्स, चारकोल, PU पैनल, बैम्बू चारकोल। तो इस वीडियो में हम दो स्टेप्स पे बात करेंगे, स्टेप नंबर 1 जहां हम टेक्निकल में जाएंगे, और स्टेप नंबर 2 जहां पे हम डिजाइन से बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 मतलब कि टेक्निकल पार्ट पे। अब यहां पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को सीख लेते हैं, मतलब कि किन चीजों को क्या बोला जाता है, क्योंकि मार्केट में अक्सर स्कैम हो जाता है। देखो, दीवार पे किसी भी प्रोसेस करने को वॉल पैनलिंग या वॉल क्लैडिंग कह देते हैं, सिंपल। PVC में जो आते हैं वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लैंक। जिस भी मटेरियल का साइज विड्थ वाइज 1 फुट का है या 2 फुट का है तो उसे हम बोलते हैं प्लैंक। अगर किसी भी चीज का साइज 1 फुट से कम है तो उसे हम बोलेंगे लूअर्स, और अगर 2 फुट से ज्यादा किसी का साइज है विड्थ वाइज तो उसे हम बोलते हैं शीट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम PVC पैनल की। अब जो PVC पैनल है इसका जो साइज आता है वो होता है 1 फुट का। सेकंड होता है इसकी क्वालिटी। इसमें 3 टाइप की क्वालिटी आती है, एक जिसमें स्क्वायर सेक्शन होते हैं जो हमें अपने घर के लिए नहीं लेने क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा तो ये टूट जाएंगे। सेकंड आते हैं इसमें सर्कुलर वाले जो उससे थोड़े से महंगे होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ये इजीली टूटते नहीं है। तीसरा जो आता है जो मैंने अभी आपको दिखाया वो होता ही है, जो आजकल मार्केट में ट्रेंड है, क्योंकि इनसे पहले वाले पैनल्स में ना शेड्स नहीं आते थे, अब जो मार्केट में लॉन्च हुए उनमें शेड्स आने शुरू हो गए हैं, राइट। तो ये देख रहे हो आप, शेड्स पूरे लूअर्स टाइप हैं। जैसे कि आप ये देखोगे अगर यहाँ पे, तो ये जो पर्टिकुलरली सिंगल लाइन वाले आते थे ना ये जल्दी टूट जाते थे, फिर आए सर्कुलर वाले, लेकिन इनमें उतने शेड्स नहीं आते और जो थे वो उतने अच्छे नहीं लगते थे, टैकी लगते थे। तो अब जो थर्ड आया जो मैंने आपको दिखाया, इसमें एक लेयर और जोड़ दी गई, साथ के डिजाइन जो है वो नए से नए इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो अगर आपका पॉकेट बजट लो है तो आपके लिए PVC पैनल सबसे बेस्ट होंगे। तीसरी, इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी टू क्लीन है। इस पे बच्चा पेंसिल चला दे, ऑयल लग जाए, कुछ भी लग जाए, सिर्फ पानी लिया और साफ कर दिया, किसी भी हार्श केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है और करना भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कॉलिन वॉलिन यूज कर सकते हो। चौथा, इसकी जो लाइफ है वो 15 साल या 15 साल से ऊपर है। शेड इसमें 100 या 120 के आसपास आते हैं। 6 पॉइंट जो इसका कॉस्टिंग है वो आता है कुछ 70 रुपए स्क्वायर फीट। ये सिर्फ मैं आपको मटेरियल की बता रहा हूँ, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से लेबर और उसके लगने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग हो जाती है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिया सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट। इसको हम डायरेक्टली वॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चाहे आपके दीवार पे अंडुलेशंस हो या कुछ भी हो, PVC पैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है लोकेशन। इसकी जो लोकेशन है वो हमेशा इंडोर में, आउटडोर में नहीं डालना है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं, टर्माइट प्रूफ है, बोरर प्रूफ है, लेकिन ये UV प्रोटेक्टिव नहीं है। मतलब अगर आपने घर के बाहर डाला तो इनका कलर जो है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएंगे और टूट जाएंगे अपने आप। तो इसको लगाओ आप बेसमेंट में या फिर स्टेयरकेस वाली वॉल पे, और रेंटेड अपार्टमेंट में। सोच के देखो, रेंट जहाँ नॉर्मल एक घर का रेंट कोई 20,000-25,000 XYZ जो भी मिल रहा है, और अगर आपने PVC लूअर डाल दिए तो आपको रेंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फील, कि अगर इसको हम लगा दे तो इसकी फील कैसी दिखाई देगी। तो मैं इसको दूंगा 10 में से 4 नंबर इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। और मैं जो आ रहा हूं, जो लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, मैंने गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डाला हुआ है जिसमें आप अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हो। अगर इन सिटीज में आपका घर इसके 100 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है तो हम आ रहे हैं आपके घर को सुंदर बनाने। नेक्स्ट जो मटेरियल आता है वो होता है WPC लूअर्स, मतलब कि वुडन प्लास्टिक कंपोजिट पैनल। इसमें जो साइजेस आते हैं वो आते हैं 5 इंच बाय 8 फुट और 5 इंच बाय 9.5 फुट। सेकंड आता है इसकी क्वालिटी। इसमें 2 आती हैं, एक जिसमें व्हाइट आपको बेस दिखाई देता है इस टाइप का कुछ, जो अगर साइड से देखोगे तो इसमें व्हाइट आपको देखेगा, ये वुडन प्लास्टिक कंपोजिट पैनल होता है। सेकंड जो आता है जिसका थोड़ा सा येलोइश होता है, दोनों है, बस फर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे फिनिश का फर्क आ जाता है और CPH के रिलेटिंग आ जाता है, 19-20 का फर्क है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो जो आपकी पॉकेट बजट को सूट करे। थर्ड पॉइंट आता है मेंटेनेंस। भाई ये नॉट इजी टू क्लीन है, मतलब कि जो इसके फ्लूट्स है ना अंदर, अगर आपको साफ करना है तो कपड़ा डाल के अंदर जो साफ करोगे तो उंगली घुसती नहीं है ढंग से और ढंग से क्लीन हो नहीं पाता। अगेन, अब ये WPC 2 टाइप के होते हैं, एक इंडोर के लिए, एक आउटडोर के लिए। इसकी जो लाइफ है वो 20+ ईयर्स होती है। अब इन WPC लूअर्स में जो शेड आते हैं वो करीब 30+ शेड्स आते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो होती है इतनी, अगेन ये सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है। नेक्स्ट आता है इसका इंस्टॉलेशन। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये 3 तरीके से लगाया जा सकता है। एक, डायरेक्टली ऑन द वॉल, मतलब यहाँ पे ग्लू नहीं लगाना है, सिलिकॉन और एराल्डाइट इन दोनों का मिक्सचर होता है। कई लोग कहेंगे सिर्फ एराल्डाइट से लगाओ, कई कहेंगे सिलिकॉन से लगाओ, दोनों से लगाना होता है। करना क्या है आपको, जैसे लूअर्स है ना, तो इनके चारों पॉइंट्स पे, चलो इसी पे समझ लो, 2 फुट 2 फुट 2 फुट 2 फुट, ये पूरा डिस्टेंस 2 फुट का है, वैसे नहीं है बता रहा हूं, एक यहां पे डाला, फिर एक यहां पे डाला, फिर नीचे 2 फुट पे, फिर 2 फुट पे, फिर 2 फुट पे, फिर 2 फुट पे, तो ऐसे पूरा करते हुए आपको जाना है।
तो ऐसे आपको सिलिकॉन के जो क्या बोलते हैं बर्गर में मेयोनीज नहीं डालते, कुछ इस तरीके से डाल देना, ठीक है, और उसको चिपका देना। चिपकाना आपको सिर्फ तभी है, आपको पहले चेक करना है कि आपकी वॉल का पेंट एकदम सॉलिड है और इन फ्यूचर उसमें मॉइस्चर कंटेंट आने के चांसेस नहीं है, मतलब कि कॉमन वॉल पे डालो। अब इसकी जो लग्जरी की फील आती है इसे हम दे सकते हैं 10 में से 7 नंबर। देखो मार्केट में आप यूट्यूब पे वीडियोस जाना, वहां पे डाइप करना वॉल पैनल करके, मार्केट में लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, आ जाओ जी आ जाओ 600 में दे देंगे, इससे तगड़ा रेट पूरे मार्केट में मिलेगा, इस स्कैम में मत फंस जाना। मैं जरूर नहीं कर रहा सारे गलत बोल रहे हैं, कुछ अच्छा भी देंगे, कुछ लोकल भी चिपका सकते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ डब्ल्यूसी, लेकिन अगर ये घटिया क्वालिटी का पीवीसी है तो मैं इसको बेंड करूंगा, देखो थोड़ा सा और ये गया, राइट, ये पूरा टूट के अलग हो गया, ठीक है। जो ब्रांड है वो है वैसे ये, कैमरे में शायद उल्टा दिख रहा है। जो एक्सटीरियर क्लैड होंगे, आपको हो सकता है इंडोर बोल के एक्सटीरियर का माल चिपका दे, तो ध्यान रखना कि इसकी जो थिकनेस है, अगर मैं कंपेयर कराऊँ आपको तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो बदल जाएगी। किस चीज की थिकनेस? ये जो थिकनेस है ये, ठीक है, ध्यान से देखो। बाकी जो सारे पॉइंट्स है वो कॉमन ही है, लाइफ पे कोई टेंशन नहीं है, यूवी प्रोटेक्टेड है क्योंकि बाहर आ चुके हैं, वाटरप्रूफ है। नेक्स्ट जो मटेरियल आता है वो है मेटल के लूअर्स एंड मेटल की शीट्स। अब इसमें जो साइज आते हैं वो अगेन 5 इंच बाय 8 फीट तक के आते हैं, मतलब 8 फीट हो गई हमारी हाइट। और दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है 5 इंच बाय 9.5 फुट का। इसकी जो क्वालिटी है इसमें 2 ग्रेड आती है, 202 ग्रेड और 304 ग्रेड, मतलब कि एक इंडोर के लिए और एक आउटडोर के लिए। इसकी जो मेंटेनेंस है सबका बाप है, पानी मारो और साफ करो, लेकिन एक्सटीरियर में ज्यादा एरिया में यूज मत करना, थोड़े से कम एरिया में लगाना, बाकी तो मैं कहूंगा अवॉइड करना इंडोर में डालना। इसमें जो शेड आते हैं वो 7 से 10 के आसपास आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टॉलेशन, ये किसी भी तरीके से पेस्ट नहीं करना है, इसके लिए पीछे पैनलिंग होगी और उसके बाद इसको इसके एडहेसिव से चिपकाना है। एडहेसिव की भी मैं बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इसका जो ब्रांड है वो बस आपको ये बोलना है अपने वेंडर को कि भाई जो भी स्टील आप दो वो हमें अच्छी कंपनी का देना, जब वो जिंदल हो या कोई भी हो, किसी भी उस कंपनी का ले लेना। 10th आती है इसका पॉइंट लग्जरी, मतलब की फील भाई 10 में से 15, मतलब कि इतना अमेजिंग लगता है देखने में कि मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अगेन इसको यूज़ करना बड़े तरीके से है, ज़्यादा डाल दिया तो बहुत खराब लगेगा, कम डाल दिया तो ऐसा लगेगा पैसे कम थे, थोड़ा सा बचा हुआ माल डाल दिया गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है चारकोल। अब जैसे मैंने बताया कि WPC PVC लूअर जो थे वो हमारे वाटरप्रूफ थे, तो चारकोल भी हमारा वाटरप्रूफ ही है, लेकिन चारकोल थोड़ा सा क्वालिटी वाइज बढ़ जाता है। इन व्हाट सेंस? चारकोल यहाँ पे आपके एकॉस्टिक का भी काम करता है, आपकी एयर को भी फिल्टर करता है, बहुत ज्यादा लेवल भी थोड़े से माइन्यूट लेवल पे, आपके जो घर में हीट आ रही है उसको रोकता है क्योंकि चारकोल है, ठंडा रखता है। फिनिश जो है वो 2 से 3 पॉइंट ज्यादा होती है एज कंपेयरिंग टू WPC लूअर्स। एको को कैंसिल करता है, मतलब कि एकॉस्टिक का भी थोड़ा काम कर देता है, फायर रिटार्डेंट होता है, और सबसे बड़ी चीज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन इसके अंदर नहीं होता। चारकोल में हमारे पास लूअर्स, प्लैंक एंड शीट तीनों चीज अवेलेबल हो जाती है। अब इसमें जो साइज आते हैं वो अगेन 5 इंच बाय 8 फुट के, अगर हम लूअर्स की बात करें तो 5 इंच बाय 9.5 फुट के। अब इसकी जो मेंटेनेंस है, अगेन जब सबका बड़ा भाई है तो मेंटेनेंस में 10 में से 10, लाइफ अगेन 20 साल भूल जाओ, कॉस्टिंग सबसे महंगी आएगी वो होती है ये। इंस्टॉलेशन इसको डायरेक्टली वॉल पे तभी लगाना जब अंडुलेशन नहीं है, बिल्कुल एकदम प्लेन वॉल है, रिस्क नहीं लेना है, या फिर प्लाई पैनलिंग पे लगाना है, ये सिर्फ इंडोर के लिए, आउटडोर में नहीं डालना। कुछ कुछ आते हैं इंडोर वाले, बट मैं कहूंगा मार्केट में स्कैम ज्यादा है तो मत डालना। लग्जरी जो है भाई 10 में से मैंने इसको ऑलरेडी 20 नंबर दे दिए। जो ब्रांड है वो है, चलो वो मैं एक साथ स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं। अब मैं आपको 2 ऐसे और मटेरियल दिखाने वाला हूं जो मार्केट में ट्रेंड में है और इजीली अवेलेबल भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला PU पैनल, अगेन इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो होती है कुछ ये, इसको लगाने का तरीका सिलिकॉन से है, जो इसका एडहेसिव है ये, नेक्स्ट जो आता है वो होता है बैम्बू चारकोल, दैट्स राइट, अरे भाई वो तो अमेजिंग चीज है, लेकिन यही है कि इसकी मैं कॉस्टिंग मेंटेनेंस बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ही हाईफाई रेट पे चला जाता है। तो अगर आपको VIP वाला ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर बैम्बू चारकोल इज द राइट प्रोडक्ट। अब ये वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए तो इसका जो सेकंड पार्ट है कि डिजाइन का शेड कैसे चूज करना है और किस एरिया में लगाना है, इसका पार्ट 2 मैंने बना दिया है जो